अभी मैं आपको एक लेटेस्ट पोएम सुनाना चाहता हूँ। वो उसमें मैंने अपना कैरेक्टर स्केच करने की कोशिश की है, बट आई होप आई एम ए बेटर पर्सन देन आई थिंक। इसको मैंने गजल का फॉर्मेट दे दिया ताकि मैं आई डिडंट नो व्हाट हेडिंग टू गिव। से यार मेरे असूल ये हैं, दीदा मेरे प्रिंसिपल ये नहीं, और गजल शुड ऑलवेज बी रेड विद तरनो, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू रीड इट विद तरनो। मुझे आदत है जिनका छोड़ने की टहनी टहनी पर, कहीं तो ये जमेगा और बनेगा आशियां अपना। ये सामान चला हमरा कई खाना बदेशों के, बना पाया नहीं कोई भी मजमा कारना। कई आँखों से आंसू पूछने की थी मेरी कोशिश, मगर इसके लिए फाड़ा नहीं था गरेवां अपना। अच्छा आजकल मुझे मेरी गली में दो पागल रहते हैं, नीम पागल, एक आदमी है और एक मंदिर में औरत है, उन्होंने मुझे तंग कर रखा। एवरी टाइम आई गो दे कम एंड ट्राई टू टॉक टू मी। वो भाई साहब तो आके मेरे पाँव छूना चाहते हैं पब्लिकली, मैंने बहुत नाराज़ किया। वो दूसरी औरत है वो फेंके हुए फूलों की माला बना के मेरे गले में डालना चाहती है। ये बात तो इसी ने मेरी मैंने इनको बताया कि देखो मैं तंग कर दिया, तंग कर दिया। इसको तक करने वाले और नहीं यही बेखुदी बताया। मुझे रोके है रस्ते में दीवाना, गर कोई मिल जाए समझता है हर एक पागल मुझे को राजदान। किताबे जिंदगी के कुछ सफ़े तो सील बंद ही हैं, नोटबुक इज ओपन, मगर मैं पढ़ता रहता हूँ हुआ था क्या कहा। कभी हारा कभी जीता मगर किस्मत की तारीफ उधर लेती रही किस्मत अनोखे मुकम्मल हार से पहले ही मैदान छोड़ देता हूँ। मुकम्मल हार से पहले ही मैदान छोड़ देता हूँ, मुकम्मल जीत से पहले झुका देता निशान। वफादारी मेरी फितरत नहीं लेकिन निभाता हूँ, किसी को दुख ना पहुँचे और ना बिगड़े समा अपना।
सदा जज्बात के दरिया में मैं रहता हूँ। ओ ताजन आंसू निकले रहते हैं मेरे, हर तरह की बात याद आ जाए। पुरानी यादें रखता हूँ बना कर मेहमान अपना, कोई आगे चले रहा बर मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ कोई हम सफर हो हम नफस हो हम जबान, खुदा है या नहीं मैं इस बहस से एकदम आजाद, मगर ये जानता हूँ कोई तो है निगहबान। काफी हो गई है, अगर आप बहुत मैं कहो तो मैं एक Tyagi, and he's had a very checkered career. He's a self-made man, totally self-made. He began his career after his studies. No, he left his studies in between actually. Started in a bakery shop, then in a coffee house. Sorry. Then he joined the army. Then he retired from the army and he did his BA the time I was doing my BA. He did his MA the time I was doing my MA. We used to come to the library together and study. Then daddy ne poultry farming bhi ki, law bhi ki, humare university ke law, law department se law bhi ki. Uske baad social service bahut ki, ek time pe daddy 8 slum schools chala rahe the. So he started with one slum school. They had this organization, 1, then 2, then 3, then 8 at a time he was running. I don't know how he did it, but he did it. And daddy has been quite a danda master, but now he says baat baat mein corona aata hai. Aur nani jo hai